हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे ऐसी दो औषधियों के बारे में जिनके मिश्रण से हमें बहुत सारी ऐसी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है जिसका आपने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लहसुन और शहद के बारे में। यूं तो हर कोई जानते हैं कि लहसुन और शहद बहुत ही फायदेमंद होता है। आप सभी जानते हैं कि लहसुन और शहद को आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है। शहद के उपयोग से हम बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। यूं तो हम शहद के गुण बताने लगे तो पूरा महीना निकल जाए, और साथ ही लहसुन के गुण भी बहुत है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगस प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। लहसुन में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6 के साथ साथ विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक इत्यादि पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमें लहसुन का यूज़ करना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं लहसुन और शहद के मिश्रण से हमें बहुत सी ऐसी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है जो हमने सोचा भी ना हो। सबसे पहले दोस्तों, हम इसे मिश्रित करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम लहसुन की कच्ची कली, साथ में 100 ग्राम शहद। अब लहसुन को अच्छी तरह कूट के शहद के साथ मिलाकर एक कांच की शीशी में रख लें। अब इसे उपयोग कैसे करना है मैं बताऊंगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज के डेट में मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है। हर कोई अपना वेट लॉस करना चाहता है, अपना मोटापा घटाना चाहता है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, साथ ही बहुत सारी दवाइयों का भी सेवन करना पड़ता है, जिससे उनको रिजल्ट शायद 20% भी नहीं मिलता, लेकिन उससे उनको नुकसान 100% मिलता है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि इन दोनों के मिश्रण से आपको कैसे इस्तेमाल करना है कि आप अपनी चर्बी घटा सकते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट अगर आप एक चम्मच इस मिश्रण को लेते हैं तो आप बहुत जल्द अपना चर्बी घटा सकते हैं। इस मिश्रण को लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है, या ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, जिससे हम अपने चर्बी को बर्न करने, यानी कि हमारा फैट बर्न होता है, चर्बी घटती है और हम पतले होते हैं और हम अपने मोटापे से छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, इस मिश्रण के निरंतर उपयोग से आप हृदय समस्याओं से भी छुटकारा पाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है हृदय में, तो इस मिश्रण से आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा और बहुत ही जल्द मिलेगा। दोस्तों, बालों का झड़ना कम करता है ये मिश्रण। अगर आप रोजाना इस मिश्रण को एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम लेते हैं, तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है। इससे आपके टूटते, झड़ते या सफ़ेद बाल, दो मुँहे बालों से छुटकारा मिलता है और आप पाते हैं काले, घने व काले लंबे बाल। हमारे बाल झड़ने का मेन रीज़न होता है हार्मोन डिसबैलेंस। अगर हम सही हार्मोन्स नहीं हो हमारे बॉडी में, तो हमारे बालों का झड़ना निश्चित है। इस मिश्रण से हमारे बॉडी हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं, जिससे हमारे बालों को ताकत मिलती है और वो बाल झड़ना, टूटना या फिर दो मुँहे बाल आना बंद हो जाते हैं। और साथ ही इस मिश्रण से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी सही होती है, यानी हमारा पाचन शक्ति। इस मिश्रण के निरंतर उपयोग से हमारा पाचन शक्ति सही होता है, जिसकी वजह से हमें खाना हजम करने में तकलीफ नहीं होती, और इसके रीज़न से बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसकी वजह से हमें कब्ज नहीं होता है। अगर आप खाना सही से पचा सकते हैं तो आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप इस मिश्रण का निरंतर उपयोग करेंगे तो इससे आपको बहुत सारी और समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आपको डायरिया है या किसी को डायरिया है, तो उसके लिए एक चम्मच ये मिश्रण सुबह या किसी भी वक्त देंगे तो बस विद इन 2 to 3 hours, यानी 2 से 3 घंटे में ये डायरिया से छुटकारा दिलाएगा। साथ ही अगर आपको जुकाम, सर्दी, खांसी है, तो इस मिश्रण के निरंतर उपयोग से आपको इनसे भी छुटकारा मिलेगा। कील मुहासे आज के डेट में बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गई है, यानी ब्लैक हेड्स एंड पिंपल्स। आज के डेट में हर कोई इस चीज़ से परेशान है और इसे हटाने के लिए बहुत सारी कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इनसे छुटकारा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस मिश्रण के सेवन से आप रोज़ाना एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम अगर लेते हैं,
तो बस 10 दिनों के अंदर आप अपने कील मुहासों से आराम से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस मिश्रण के उपयोग से आप कील मुहासों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। अगर आपको चोट लगती है तो अगर आप इस मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप सब जानते हैं कि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से आपको चोट में दर्द कम होता है और चोट जल्द से जल्द भर जाती है। इस मिश्रण के निरंतर उपयोग से आपको आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, अगर आप चश्मा लगाते हैं या लेंस लगाते हैं या फिर बहुत सारी दवाइयां करते हैं अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, तो इन सब से हट के आपको ये मिश्रण एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इस मिश्रण के उपयोग से आप बहुत जल्द अपनी आंखों का रोशनी बढ़ा सकते हैं और चश्मे और लेंस को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। दोस्तों, इस मिश्रण से हमारा खून साफ होता है, जिससे हमें बहुत सारी एलर्जीज या फिर बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अगर आपको लीवर की कोई परेशानी है तो इस मिश्रण का उपयोग रोजाना 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम करने से आपको लीवर की कई सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसे मात्र आपको 15 से 20 दिन करना है और इससे आपको रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला मिलेगा। बहुत से लोगों को नींद की परेशानी होती है, यानी उन्हें पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, जिसके लिए भी वो बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन अगर आप इस मिश्रण का निरंतर उपयोग करेंगे तो आपको ये नींद की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस मिश्रण से आपको जोड़ों के दर्द से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, दांतों में या घुटनों में या कमर में कहीं भी दर्द है, तो इस मिश्रण के निरंतर उपयोग से आप अपने दर्द से भी छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, इस मिश्रण का अगर 20 साल से कम उम्र के बच्चे अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो अपना कद बढ़ाने में बहुत ही सफल रहते हैं। ये मिश्रण कद बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज लाइलाज है, लेकिन इस मिश्रण के मात्र 3 महीने के यूज से आप कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। दोस्तों, ये तो थी लहसुन और शहद को मिलाकर खाने से क्या क्या फायदे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लहसुन और शहद का ये मिश्रण आप चबा चबा कर अच्छी तरह खाएं, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपका पाचन तंत्र सही होगा, आपकी पचाने की शक्ति सही होगी, दांतों की प्रॉब्लम खत्म होगी और साथ में इन सारे रोगों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस मिश्रण के साथ साथ याद रखें, जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ उसे जरूर करें। रोजाना कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना आवश्यक है। ऐसा करने से आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही आप तला भुना या बाहर का खाना ना खाएं, इससे आपको आपकी सेहत सही रखने में मदद मिलती है। साथ ही दोस्तों, आप याद रखें कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाना आपके सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए हमेशा हरी सब्जियां खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फल का जूस, सब्जी का जूस लेना आपके लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि लहसुन और शहद के मिश्रण से हमें कितना सारा प्रॉफिट है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप आज से ही लहसुन और शहद का मिश्रण इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूँढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।